स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वेर वी विल प्रैक्टिस द डिफरेंट क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम पेपर आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिविजन देखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस कर लिया था आज हम सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस करेंगे आप अपनी मैक्स की नोटबुक निकाल लीजिए मेरे साथ क्वेश्चन और आंसर्स दोनों को कॉपी करते चलिए नोटबुक में क्वेश्चन नंबर टू डालिए हेडिंग और लिखिए अनुब्रॉट नोटबुक फॉर एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे एंड अ पेन फॉर फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे हाउ मच मनी डेढ़ शी पे फॉर द टू आइटम्स यहाँ पर यह बोला गया है कि एक अनु है ठीक है अनु वो दुकान जाती है शॉप जाती है और वहाँ से एक नोटबुक लेकर आती है ठीक है क्या लेकर आती है अनु एक नोटबुक लेकर आती है ये अनु है लिख देते है। इसका नाम अनु स्माइल कर रही है अनु अनु शॉप जाकर नोटबुक लेकर आती है और नोटबुक के लिए वो शॉप कीपर को यानी की कि दुकान वाले को एट रुपीज़ सेवेंटी फ़ाइव पैसे पे करती है तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर नोटबुक के लिए अनु शॉप कीपर को एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे देती है और एक पेन भी लेकर आती है चलिए पेन को भी ड्रॉ कर देते हैं एक पेन भी लेकर आती है जिसके लिए वो शॉपकीपर को फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे पे करती है पेन के लिए कितना पे करती है फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे पे करती है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल कितना मनी वो पे करती है दोनों आइटम्स के लिए देखिए टोटल कितना मनी वो पे करती है टू आइटम्स के लिए कौन से टू आइटम्स के लिए नोटबुक और पेन के लिए ठीक है नोटबुक भी खरीदती है शॉप से और पेन भी खरीदती है और दोनों का अमाउंट कितना देती है शॉपकीपर को नोटबुक के लिए एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे देती है और पेन के लिए फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे देती है तो दोनों के लिए टोटल कितना रुपीज़ देगी वो शॉपकीपर को वो हमको फाइंड आउट करना है क्या करना पड़ेगा करेक्ट दोनों के अमाउंट को हमें ऐड करना होगा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका आप अभी सॉल्यूशन नोटबुक में कॉपी करिए क्वेश्चन लिख चुके हो आप नीचे सॉल्यूशन लिखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे कॉस्ट ऑफ पेन कितना है फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि टोटल कितना वो पे करती है दो आइटम्स के लिए लिखिए यहाँ पर टोटल मनी अनु पे फॉर टू आइटम्स टोटल मनी अनु कितना पे करती है दो आइटम्स यानी कि नोटबुक और पेन के लिए कैसा मिलेगा दोनों के अमाउंट को ऐड करके तो लिखिए यहाँ पर एट रुपीज सेवेंटी फाइव पैसे प्लस फाइव रुपीज फिफ्टी पैसे ठीक है और ये आपका रो में क्वेश्चन गिवन है तो पहले आपको क्या करना होगा इसे कॉलम में कन्वर्ट करना होगा तो लिखिए इसे कॉलम वाइज कॉलम वाइज यानी कि स्टेट में रुपीस एट यहाँ पे डॉट सेवेंटी फाइव रुपीस फाइव डॉट फिफ्टी ठीक है इसका डॉट का मतलब क्या होता है डॉट के बाद का अमाउंट आपका पैसा कहलाता है अगर इन शॉर्ट आप इसे रीड करने जाओगे तो ऐसे रीड करेंगे एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे फ़ाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे दोनों को क्या करना है ऐड तो यहाँ पर एडिशन का साइन बनाइए क्लियर चलिए हम एक एक कॉलम को ऐड करते हैं यहाँ पे दिया है फाइव प्लस ज़ीरो यानी कि फाइव में ज़ीरो यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास फाइव सेकेंड कॉलम में आपको गिवन है सेवन प्लस फाइव सेवन प्लस फाइव कितना होगा स्टूडेंट्स चलिए सेवन है तो सेवन लाइन्स को ड्रॉ करेंगे चलिए ड्रॉ करिए सेवन लाइन्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन यहाँ पे फाइव है तो फाइव लाइन्स को ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव क्या करना है हमको ऐड यानी कि टोटल्स कितने लाइन्स उसको काउंट करना है तो चलिए लाउ लाइन्स काउंट करिए मेरे साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व कितना आंसर आ रहा है आपका ट्वेल्व आ रहा है जब आपका टू डिजिट में आंसर आए तो आप कैसे लिखोगे उसे यहाँ पर करेक्ट लास्ट डिजिट यानी कि टू को आप जिस कॉलम में ऐड कर रहे हो उसी कॉलम के नीचे पुट कर दोगे और जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि वन उसे आप आगे की कॉलम पे, आई रिपीट उसे आप आगे के कॉलम पे कैरी कर दोगे क्लियर लास्ट डिजिट को आप जिस कॉलम को ऐड कर रहे हो वहीं रखोगे और फर्स्ट डिजिट यानी कि वन को आगे के कॉलम पे कैरी कर दोगे तो चलिए वन यहाँ पर हम कैरी कर देते हैं अभी हमें ऐड करना है वन प्लस एट प्लस फाइव ठीक है वन प्लस एट प्लस फाइव वन है तो वन लाइन को ड्रॉ करेंगे एट है तो एट लाइन्स को ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव है तो फाइव लाइन्स को ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव हमें ऐड करना है ऐड करना है यानी कि टोटल लाइन्स को काउंट करना है तो चलिए मेरे साथ टोटल लाइन्स काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर वन फोर फोर्टीन यहाँ पर आप लास्ट डिजिट को इस कॉलम के नीचे लिखकर फर्स्ट डिजिट को कैरी नहीं करोगे क्यों क्योंकि इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे कि रुपीस का भी तो कॉलम है रुपीस यूनिट है स्टूडेंट्स कॉलम नहीं है हम नंबर्स को ही ऐड करते हैं ना कि साइंस और सिंबल्स को तो इसलिए ही आप क्या करोगे टोटल आंसर फोर्टीन को यहाँ पर पुट कर दोगे तो चलिए लिखिए यहाँ पर वन फोर फोर्टीन क्लियर अब आपको डॉट नीचे कॉपी करना है सिम्बॉल रुपीज का नीचे कॉपी करना है तो आपका आंसर क्या आएगा फोर्टीन पैसे क्लियर तो लिखिए यहाँ पर आंसर आपका कितना आ रहा है फोर्टीन रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसे क्लियर स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्द जल्दी जल्दी अनु है अनु क्या करती है शॉप जाती है और नोटबुक और पेन लेकर आती है नोटबुक के लिए वो एट रुपीज सेवेंटी फाइव पैसे देती है शॉपकीपर को और पेन के लिए फाइव रुपीज फिफ्टी पैसे देती है तो टोटल कितना अमाउंट शॉपकीपर को पे करती है नोटबुक और पेन के लिए वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एक नोटबुक नोटबुक के लिए अनु ने एट रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे पे किए पेन के लिए फाइव रुपीज़ फ़िफ्टी पैसे पे किए तो टोटल मनी के लिए क्या करना पड़ा दोनों अमाउंट को ऐड करना पड़ा एडिशन करके मैंने साइड में अलग से शो कर दिया है पहले था आपके पास फ़ाइव प्लस जीरो फाइव प्लस जीरो कितना होता है फ़ाइव में कुछ भी ऐड नहीं करना है यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा आपका फाइव सेवन प्लस फाइव करोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका सेवन प्लस फाइव करोगे तो आपका आंसर आएगा ट्वेल्व सेवन प्लस फाइव का आंसर आ रहा था आपका ट्वेल्व जिसके लास्ट डिजिट को आपने उस कॉलम के नीचे ही लिखा और फर्स्ट डिजिट यानी कि वन को उसके आगे वाले कॉलम पे कैरी कर दिया अब जब आपने वन प्लस एट प्लस फाइव किया तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है फोर्टीन इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं था इसलिए टोटल आंसर फोर्टीन को मैंने यहीं पर पुट कर दिया स्टूडेंट्स कभी भी यूनिट और सिम्बॉल्स आपके नंबर नहीं होते और उसमें हम लोग कोई भी नंबर को कैरी नहीं देते यूनिट और सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं सेम टू सेम नीचे कॉपी करते हैं इसलिए मैंने क्या किया डॉट कि इस सिंबल को इस साइन को नीचे सेम टू सेम कॉपी किया और रुपीज की भी साइन को नीचे सेम टू सेम कॉपी कर दिया तो फाइनल आंसर बन गया फोर्टीन रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसे अनु पेन और नोटबुक के लिए शॉपकीपर को पे करती है स्टूडेंट्स आप सभी ने क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मेरे साथ वन टाइम अपने नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा एज द क्लास वर्क स्टूडेंट्स आपको टू टाइम्स मोर सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर टू को अपने मैक्स की नोटबुक में कंप्लीट करना है ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर रिविजन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम बिना कोई वर्ड बिना कोई डिजिट चेंज के आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है तो आप क्वेश्चन और आंसर्स दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा